हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह का समय है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने लग गई थी बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, और मुझे थोड़ा सा ऐसे ही थकावट सी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो नारियल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा ही ला के रख देते हैं, तो जब मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं पी लेती हूँ। और ये एक ऐसा फ्रूट्स बोल सकते हैं इसको कि ये मतलब स्टोर करके आप रख सकते हो काफ़ी दिन तक, तो वो चीज़ है। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुबह से मैं एक ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ, और वो ड्रिंक क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं सुबह उठते ही गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के हमेशा पीती हूँ, हमेशा। और एक तौर से मेरी हैबिट बन चुकी है, आदत हो चुकी है, और ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें मैं, मेरा मन होता है तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है। तो जैसे ही मेरा नारियल पानी फिनिश हुआ था, उसके बाद यहाँ पर डले थे कपड़े, क्योंकि आजकल कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं, पानी का मौसम है, तो दो दिन में या फिर एक दिन में ड्राई कर दो तो एक ही दिन में सूख जाते हैं, अगर नहीं ड्राई करोगे तो दो दिन लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने कपड़े सारे उठा के रख दिए थे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और किचन में मेरा लगभग काम बहुत हो ही चुका था लगभग, क्योंकि मैंने खाना पीना बना लिया था, और मेरा बच्चा स्कूल गया तो मैंने उसके लिए पराठे सेके थे, तो उसी में मैंने अपने लिए थोड़ी सी रोटियां सेक ली थी। और एक साइड अभी आप देख सकते हैं कि मेरी सब्जी पक रही है, और सब्जी मैंने समथिंग आलू बैंगन की बनाई थी थोड़ी सी, और हस्बैंड जब रहते नहीं हैं तो खाने के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाएँ कैसे बनाएँ, कुछ नहीं, जो समझ में आता है जल्दी से फटाक से बना के रख देते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही रहती हूँ खाने के लिए, और मेरा जो बच्चा है उसका मन होता है तो वो खा लेता है, अदरवाइज़ उसको तो कुछ भी दे दो वो खा ही लेता है। लेकिन खाना मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि अब दो दो छोटे बच्चे हैं। पहले क्या था कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड चले जाते थे जब ड्यूटी, तो मैं अकेली रह जाती थी, तो मैं खाना बनाना कभी ज़रूरी समझती ही नहीं थी। मैं कुछ भी रखा होता था घर में, फ्रूट वगैरह, उसी में काम चला लेती थी। और काम क्या मतलब, मन नहीं होता था अकेला खाने में, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था अकेले में। अब लेकिन जब से बच्चे हो गए हैं तब से मैं खाना पीना तो बनाती ही हूँ, और आप देख सकते हैं गाइस कि खाना रेडी हो चुका था, और मैंने यहाँ पर किचन वगैरह पूरी साफ़ कर दी थी, गैस साफ़ कर दी थी, और बर्तन मेरे धुल ही गए थे, तो लगभग जो मेरा किचन के आज काम थे बहुत ज़्यादा जल्दी निपट गए थे। और सुबह ही से मैं इन कामों में लग गई थी। और क्या होता है ना कि वैसे तो मैं जो काम करती हूँ वो नहाने के बाद ही खाना पीना बनाती हूँ, लेकिन जब थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना होता है तो मैं फिर वहीं की वहीं काम समेट लेती हूँ जब नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ जैसे ही किचन साफ़ हुई तो उसके बाद मुझे धुलने थे कुछ डिब्बे वगैरह, और किचन के आप देख सकते हैं ये डिब्बे हैं, और वैसे कुछ ज़्यादा गंदे नहीं थे लेकिन काफ़ी दिन से धुले नहीं थे, तो मन में आता है ना कि बहुत दिन से ये काम किया नहीं है तो चलो कर लेते हैं। और आधे डिब्बे मैंने कल ही साफ़ कर दिए थे और ये कुछ डिब्बे रह गए थे, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी साफ़ करके फ्री हो जाती हूँ और किचन के लगभग सारे डिब्बे साफ़ हो जाएंगे। तो ये जो डिब्बे हैं इनमें सामान है, और ये एयर टाइट कंटेनर टाइप डिब्बे हैं, और इनमें पानी वानी जाता नहीं है अंदर, तो इसलिए मैंने इनको ऊपर से ही साफ़ कर दिया था, और अंदर से साफ़ करना इतना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि सब साफ़ सुथरे ही लग रहे थे, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब मन करता है कि चलो इनको साफ़ करके अब रख दो, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वही चीज़ मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने इनको साफ़ कर दिया था। और छोटे मोटे जो डिब्बे थे वो मैंने कल ही साफ़ कर दिए थे, तो ये सारे डिब्बे मेरे धुल गए हैं। और इतना जब मेरा काम हुआ तो मेरा जो बच्चा था वो छोटा वाला सो ही रहा था, और यहाँ पर जैसे ही डिब्बे साफ़ हुए तो किचन का लगभग सारा ही काम हो गया था सुबह से, तो मैं यहाँ पर सिंक वगैरह साफ़ करने लग गई थी, नल वगैरह साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि जब किचन का सारा काम हो जाता है ना उसके बाद ही मैं सिंक साफ़ करती हूँ, और जैसे ही सिंक साफ़ होती है तो लगभग ये समझ लो कि मेरे किचन के सारे काम हो चुके हैं और मैं बिल्कुल किचन से फ्री हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंक बहुत अच्छे से साफ़ कर दी थी, और मैं हमेशा ही ऐसे डेली ही साफ़ करती हूँ सिंक को, जब भी बर्तन वगैरह सुबह के धुल लेती हूँ तो सिंक को बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर जो स्लिप में पानी था वो मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया था, तो यहाँ पर सारे काम उससे फ्री हो गई थी किचन के। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी
हॉल में और ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर मुझे ये जो टेबल वगैरह थी मैं साफ़ करने लग गई थी, और जो सोफ़े वगैरह थे वो मैं साफ़ करने लग गई थी। डस्टिंग वगैरह एक तौर से मैंने कहा कि चलो कर देती हूँ। और यहाँ पर जो सोफ़े के कवर फैले पड़े हुए थे, वो तो क्या होता है ना कि बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते हैं और सुबह से उठ के इतने सारे काम इधर उधर, तो वो सुबह से सारे अपन को एक से अच्छे से सेट करके रखना ही पड़ता है। तो वही सारी साफ़ सफाई होती है, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, सारी चीज़ें अपना अच्छे से लगा रही हूँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस कि अभी तक मेरा बेटा छोटा वाला सो ही रहा था और मेरे इतने सारे काम निपट चुके थे, और मैंने कहा कि चलो मेरा बेटा सो ही रहा है तो जो काम रह गए हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, मेरे जो हस्बैंड है वो कल ही राशन रख गए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको लगा लेती हूँ, क्यों डला रहेगा। और अभी झाड़ू पोछा मैंने लगाया नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो इसको रख देती हूँ, फिर उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बाद में करती तो वो फिर फैल जाता, थोड़ा बहुत तो फैलता ही है, तो वो चीज़ है। और मैंने जो भी सामान था सारा बाहर निकाल लिया था, क्योंकि इस तरीके से सामान मैं लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि सारा सामान फैल जाता है तो समझ में आने लगता है कि कौन सा सामान हमें उठाना है और कौन सा कहाँ रखना है, तो वो चीज़ है। तो इसलिए जब भी मैं सामान लगाती हूँ हमेशा फैला लेती हूँ सारा सामान, मेरी आदत है। और जैसे ही सारा सामान मैंने पैकेट में जो रखा था वो फैला लिया, और उसके बाद मैंने जो बकेट थी वो उठाई और यहाँ पर जो सामान मुझे उसमें रखना था वो मैं उसमें रख दूंगी। और थोड़ा बहुत सामान जो मतलब ज़रूरत का नहीं था तो वो मैं अंदर रख दूंगी, और जो ज़रूरत का है वो बाहर, मतलब जिस तरीके से अपन यूज़ करते हैं सामान उस तरीके से अपन लगाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कुछ सामान ऊपर रखते हैं कुछ अंदर रखते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो सामान मैं इसमें रख रही हूँ वो सामान मुझे मंथ में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसलिए इसको बिल्कुल अंदर रख दूंगी स्टोर करके। और उसके बाद जो ये सामान पड़ा है, ये ऐसा सामान है कि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो मैं इसको जहाँ तक है ऊपर ही रखूँगी कि जब भी ज़रूरत हो तुरंत निकाल लो, तो वो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो बिल्कुल हाल ही में ज़रूरत पड़ती रहती है वो सामान तो मैं बिल्कुल ही मतलब किचन में इसी सेक्शन में रख देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अचानक से पड़ जाती है तो तुरंत निकाला और अपना काम कर लिया, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद जो भी सामान मैंने रखा, मतलब जो सामान मुझे रखना था वो मैंने रख दिया, और फिर स्टोर रूम में भी जो सामान रखना था वो रख दिया था, और कुछ मेरा मेकअप का सामान था तो वो मेकअप का मतलब क्रीम पाउडर वगैरह, तो मैंने वो अपना ट्रॉली में रख दिया था। और फिर इसके बाद मैं ये नमकीन बिस्किट के पैकेट वगैरह रह गए थे तो मैं वो भी डिब्बे में रखने लग गई थी, क्योंकि ये मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है या बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से मैं जल्दी से निकाल के दे देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारा सामान मेरा लग गया, और इस पैकेट में जो था वो बच्चे के चिप्स वगैरह थे, किंडर जॉय वगैरह थे, तो मैंने ऊपर ही रख दिए थे कि इसको मैं ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि बच्चे कभी कभी मांगने लगते हैं ना चीज़ें तो तुरंत निकाल के दे दो, तो वो चीज़ है। तो सामान जैसे ही लग गया था मेरा तो मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि अब रह गया था मेरा झाड़ू पोछा लगाना, तो मैं यहाँ पर अच्छे से सब जगह झाड़ू लगा दूंगी। और अभी तक मेरा बच्चा देखिए सो ही रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मुझे लगता है 8:30 या 9:15 ही बज रहा होगा और मेरा काम हो ही रहा था। तो मैंने फिर सब जगह झाड़ू लगाने के बाद मैं ये किचन एरिया में आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर किचन एरिया मैं भी अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और घर में मेरा क्या रहता है, मैं सुबह से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो मुझे फिर दिन भर इतना ज़्यादा ज़रूरी लगता नहीं है कि यहाँ पर झाड़ू पूरे घर में दोबारा झाड़ू लगाओ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो वैसा सामान नहीं फैलाते हैं, वो सिर्फ क्या है पानी फैलाएँगे, कहीं खाना खाएंगे तो वो फैलाएंगे, तो वो वहीं की वहीं साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बच्चा सो के उठ गया था और तुरंत हाय हेलो उनकी चालू हो गई थी, और जब वो सो के उठ जाता है ना तो फिर मेरे ही आगे पीछे घूमता रहता है। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पॉच एरिया में, और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, सब जगह ही लगा दूंगी। आज तो मैं आपको सब जगह झाड़ू लगा के दिखा रही हूँ, वरना मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा छोटा डस्टबिन लिए हुए था और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, और मैंने उससे जब मांगा तो वो मुझे दे ही नहीं रहा था, और फिर मैंने उससे ज़बरदस्ती किया तो पीछे पीछे भाग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं उसे डांटने लग गई थी लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहा था, तो फिर मैं उठ के गई और मैंने उससे तुरंत ले लिया। वो इसी प्रकार से मतलब
वो तो दिन भर उसका यही है कि वो तंग करता रहता है मुझे। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं कचरा डस्टबिन में डालने गई ना, तो वो उसने झाड़ू उठा के वो झाड़ू लगाने लग गया था। लग रहा था कि मम्मा ने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई। तो यहाँ पर फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था, और पोछा के लिए मैंने बाल्टी रख ली है और इसमें डाल दिया लाइजॉल। और मैं हमेशा लाइजॉल डाल के ही पोछा लगाती हूँ, और जो पोछा लगाती हूँ मैं डंडे वाले पोछे से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है मुझे इससे पोछा लगाना, और बहुत जल्दी लग जाता है। और मैं हमेशा से ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। और क्या होता है ना कि अपनी जो ज़रूरत होती है और सुविधा होती है उसी हिसाब से आदमी काम करता है। तो मेरी जो सुविधा है वो इसी पोछे में है, इसलिए मैं हमेशा इसी डंडे वाले पोछे से ही पोछा लगाती हूँ। और फिर इसके बाद मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको टीवी चला दी थी और उसको थोड़े से चने दे दिए थे, और बैठ के आराम से वो खा रहा था। तो मैंने यहाँ पर पोछा पूरे में जल्दी जल्दी फटाक से लगा दिया था। और जब जब जैसे कि मैं अकेले काम करती हूँ ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है, और जब ये बच्चा मेरे आगे पीछे घूमता है ना, तो काम 10 मिनट की जगह 20 मिनट लग ही जाते हैं। तो वो चीज़ है, और मैं यहाँ काम कर रही थी, वो वहाँ चने फैला रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो छोड़ो, जल्दी से काम निपटाते हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर के एरिया में, और मैंने सब जगह जल्दी जल्दी पोछा लगाया, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं करना था, नहाना था, और क्योंकि सारे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सारा काम मेरा हो ही चुका था, आप लोगों ने देख ही लिया है। और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। वैसे तो मैं फ्री, तो मुझे काम से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, काम तो मैं हमेशा से बहुत जल्दी कर लेती हूँ, शुरू से ही मेरी आदत है। लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चे घर में छोटे छोटे होते हैं ना, तो हमें दिन भर ही हो जाता है, तो वो मेरे साथ भी है, और जिसके छोटे बच्चे हैं तो वो आप लोग समझ सकते होगे। तो यहाँ पर फिर मैं बेडरूम में आ गई थी, और मैंने कहा यही काम क्यों छोड़ती हूँ, मैं इसको भी जल्दी से साफ़ करके और रख देती हूँ, फिर कोई काम नहीं रह जाएगा मेरा, और मैं बिल्कुल से फ्री हो जाऊँगी। तो मैं जहाँ जहाँ जा रही थी, आप देख ही सकते हैं ये वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे घूम रहा था और मैं अकेली थी, वो भी अकेला था, तो क्या करता वो। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी नहा धो के, और मैंने सारे कपड़े यहीं पर ही फैला दिए थे, क्योंकि ऊपर डाल नहीं सकते, आजकल 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और कभी भी हो जाती है, तो बार बार ऊपर नीचे करो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो इसलिए मैं अब 2-3 दिन से यहीं कपड़े सुखा रही हूँ। तो मैं नहा के यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और बच्चे को भी अपने साथ ही निला लिया था, तो मैं सभी कामों से फ्री हो गई थी, और 10 नहीं बज पाया था और मैं फ्री हो गई थी गाइस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और लास्ट तक वीडियो देख लिया करो। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।